दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th आज अजमेर के सर्वेश्वर नगर में ऐसे एचआईवी पीड़ित बालक बालिकाएं जिनके माता पिता की एचआईवी के कारण से या तो डेथ हो गई है या वो एचआईवी पीड़ित हैं और उस वजह से अपने बच्चों को साथ नहीं रख सकते, ऐसे बच्चों के लिए चंचल केयर होम की व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से की गई है। इस एनजीओ की निदेशिका सुशीला जी ने निवेदन किया था कि बच्चों को यदि खाद्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है तो इस लॉकडाउन की अवधि में उनको सहारा मिलेगा, और उसी नाते से उनके उस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज भाजपा की ओर से ये सामग्री वितरण की गई है, जो बच्चों के लिए करीब 2-3 महीने तक की खाद्य सामग्री है जिससे उनका आवास ठीक प्रकार से चल सकता है। निश्चित रूप से ऐसे बालकों की सेवा करना परम धर्म भारतीय संस्कृति में माना जाता है, तो उसी का पालन करते हुए आज ये सेवा का कार्य किया गया है। हमारे गांधीग्राम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट जिसका हेड ऑफिस जयपुर है उनकी तरफ से चंचल केयर होम का यहाँ पे फर्स्ट प्रारंभ हुआ था अप्रैल 2019 में, और हम ऐसे बालकों को लेते हैं जिनके माता पिता जो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं, जो कैसे भी रोगी हो तो अपने बच्चों को साथ में नहीं रह सकते, तो ऐसे बच्चों को हम यहाँ पे रखते हैं। बच्चे तो बीमार नहीं है लेकिन वो अगर माता पिता के साथ में रहेंगे तो हो सकता है वो बीमारी से ग्रसित हो, इसीलिए हम उनको बच्चों को ऐसे सर्वे के आधार पर घर पे जा कर के उनको लेके आते हैं। और वैसे बालक हैं जिनके माता पिता नहीं है, जो पूर्ण तरह से अनाथ है, तो हम ऐसे बालकों को भी लेते हैं। आज श्रीमती अनीता बधेल जी की तरफ से, विधायिका महोदय की तरफ से, महोदय की तरफ से आज हमको खाद्य सामग्री उपलब्ध हुई है। आज चंचल केयर होम जो कि निराश्रित बच्चों को यहाँ रखा जाता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं या जो माता पिता एचआईवी के कारण डेथ हो जाती है, वो बच्चों के साथ नहीं रह सकते, ऐसे बच्चों को लालन पालन करने के लिए एक एनजीओ द्वारा जिसका नाम चंचल केयर होम अजमेर सर्वेश्वर नगर में है उनके माध्यम से सेवा का काम चल रहा है, और इस कोरोना कोविड के तहत इनको भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक आदरणीय अनीता जी बधेल के जब मालूम पड़ा कि यहाँ बच्चे रहते हैं और इस कोरोना कोविड के अंदर उनके भी खाद्य सामग्री का काल पड़ा है, इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और इनके बच्चों के भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना ही की है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये संस्था इन बच्चों के भविष्य में सहायक सिद्ध होगी। और